हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद आसिफ भट्टी। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल पंजाबी बजीज़ में। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने मटकियाँ लगाने में थोड़ी देर कर दी थी। मैंने तकरीबन सितंबर एंड हो गया था, नहीं सितंबर शुरू था, फर्स्ट सितंबर से 10 सितंबर तक जो है वो मैंने मटकियाँ लगाई थी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ साथ साथ, आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ अगर देखी हैं तो बहुत सारे जोड़े ऐसे थे जिनको मैंने मटकियाँ नहीं लगाई थी अभी, और 10 सितंबर तक जो हैं वो मैंने मटकियाँ मुकम्मल की हैं। किसी को लगा दी थी, किसी को नहीं लगाई थी फर्स्ट सितंबर से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सितंबर से अब जो है वो अक्टूबर हो गया, बल्कि कई मटकियाँ तो मैंने 15 सितंबर को भी लगाई हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 30 से 40 डेज़ की जो है वो प्रोग्रेस आज हम चेक करते हैं कि मेरे बर्ड्स की जो वन बाय वन लगाए हैं उनकी, और जो वो कॉलोनी में लगाए हुए हैं उनकी क्या प्रोग्रेस है। कॉलोनी में आपको पता था कि बिल्कुल पट्ठे लगाए थे, इन्हीं के ही बच्चे उठा के जो आखिर में बचे थे वो कॉलोनी में हमने छोड़ दिया था। ठीक है, कॉलोनी की प्रोग्रेस हम कल चेक करेंगे, आज हम वन बाय वन की जो है वो प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं कि वन बाय वन क्या रिज़ल्ट है। ठीक है जी, साथ रहिएगा। तो ये वन बाई वन में एक ये जोड़ा है, तो इसको देखते हैं कि इसने क्या प्रोग्रेस दिखाई है। ये रेड आईज का जोड़ा है, इसकी मटकी के ऊपर जो है, इसकी मटकी के ऊपर ढक्कन भी नहीं लगा हुआ, तो प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं क्या है। तो जैसे कि आपने देखा कि इस जोड़े ने जो है वो 4 अंडे दिए हुए हैं, तो इसके साथ क्या प्रोग्रेस चल रही है इनकी। ठीक है, इसकी मादी जो है वो, ये मादी ही है बाहर, हाँ जी, येलोश है, और मेल जो है वो वाइट है। ठीक है, पहले हमने इस जोड़े की प्रोग्रेस चेक की, अब इसकी चेक कर लेते हैं। इस जोड़े ने 4 एग्स दिए हैं, अब इसको देखते हैं इसने क्या किया हुआ। हाँ जी, जो भी देखा है वो हम, मैं आपके साथ बाद में ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है इसके अंदर क्या है। मेरा ख्याल ज़रूर बच्चे ही बैठे हुए हैं। हाँ जी, ये 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह सब माशाल्लाह कहते जाएं जी। ये इस जोड़े ने जो है वो बच्चे निकाले हुए हैं। ठीक है जी, तो अब इसके साथ वाले जोड़े ने क्या किया हुआ है, इसने, ये भी रेड आइज़ का ही जोड़ा है। जैसे कि आपने पहले देखा ये वाला जोड़ा रेड आइज़ का, फिर इस, उसने जो है वो 4 अंडे दिए हुए थे, इसने 4 बच्चे निकाले हुए शायद, और अब इसको देखते हैं कि इसने क्या किया हुआ। ठीक है जी, अंदर चलते हैं इसके। नहीं जी, माशाल्लाह इसकी बिल्कुल येलो मादी है, और बच्चे भी काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं मुझे, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे तो होंगे इसमें। ठीक है, लें जी, ये था इसका रिज़ल्ट। तो अब इससे नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, ये एक है फैलो का जोड़ा, तो फैलो को भी चेक कर लेते हैं कि फैलो साहब ने क्या किया हुआ है। ठीक है, वो फैलो की मादी भी बाहर निकली है। हाँ जी, दिखाओ जी क्या किया हुआ आपने। हाँ जी, मादी मटकी में बैठ रही है, इट मीन्स कि वो ले करने वाली है, अभी उसने जो है वो ले नहीं किया, तो ये जल्दी ले कर लेगी। तो ये फैलो था, तो फैलो के साथ अब देखते हैं कि इस जोड़े ने क्या किया हुआ। इसकी भी मादी अंदर बैठी है, लेकिन इसको हम चेक नहीं करते। इसने तो ये देखें सारे अंडे नीचे गिराए हुए हैं। ये एक्चुअली मेल मुझे चेंज करना पड़ेगा, मेल बदतमीज़ है इसके साथ। ये तीसरी मादी मैंने लगाई है, जो भी मादी इसके साथ लगाते हैं, मादी जब अंडे देती है तो ये मेल साहब जो हैं ये अंडे उठा के नीचे बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये मेल ही चेंज करना पड़ेगा, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो इसको मैं अब चेंज कर दूंगा। तो इसके साथ इस वाले जोड़े ने क्या किया हुआ। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। आइए, जैसा कि आपने देखा फीमेल ने 3 एग ले किए हैं, और मज़ीद एग वो ले करेगी। और ये वाला जोड़ा है पुराना, मेरा फैलो का जोड़ा, जोड़ा पुराना नहीं है, जोड़ा नया ही है, लेकिन ये मेल पुराना है, ये वही मेल है जो 5 से 6 साल एज का है। और इसके साथ मैंने इसकी छठी नस्ल, इसी मेल की छठी नस्ल जो है वो फीमेल लगाई हुई है, और वो अब मटकी में आ जा रही है, और ये बिल्कुल बच्ची फीमेल थी, बिल्कुल बच्ची, तो इसके साथ लगाई है। तो ये फीमेल, इसने जो है वो मटकी में आना जाना शुरू कर दिया, ये भी जल्दी ले कर लेगी मेरे ख्याल में। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे झुक के मैं ज़्यादा देख नहीं सकता हूँ, तो दूसरे केज को चेक कर लेते हैं। अब इधर आ जाइए,
इसको देखते हैं, ये वही जो 6 साल पुराना मेल है ना मेरा फेलो का, ये उसका बच्चा है, ठीक है। तो इसने रेड आइज मादी के साथ क्या रिजल्ट लिया हुआ है, तो ये देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इसने भी ले किया हुआ, इसका मतलब इसने एक रेड आइज वाइट कलर का निकाला हुआ है। देखें, ये जो मेल है ये फेलो का है रेड आइज के साथ क्रॉस, फेलो क्रॉस हुआ था रेड आइज के साथ, और ये ब्लैक आई मेल निकला था। और ब्लैक आई को जब आगे रेड आइज मादी के साथ लगाया और वाइट मादी के साथ लगाया, तो उसने वाइट बच्चा भी निकाला हुआ है, ठीक है जी। ये इसका रिजल्ट है, और भी बच्चे नीचे बैठे हुए ब्लैक आइज भी नज़र आ रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पे, इसकी फ़ीमेल ने भी जो है, ये वाला जो मेल आपको नज़र आ रहा है सामने, इसकी फ़ीमेल ने भी जो है एग ले किए हुए हैं, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। और ये फ़ीमेल मेरी सबसे फेवरेट फ़ीमेल है, ये भी जो है वो फेलो के ब्लड लाइन में से है, और ग्रे कलर है इसका। तो चेक करते हैं इसने क्या किया हुआ है। ठीक है, इसने भी एक बच्चा निकाला हुआ है माशाल्लाह से, और बाकी ये अंडे इसके नीचे हैं, तो इट मींस ये भी जो है वो जल्दी बच्चे निकाल लेगी। 2-3 दिन में और भी आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा। बाकी ये वाले जोड़े हैं, इन्होंने भी जो है वो अब मक्खियों में आना जाना शुरू कर दिया। ये घर के पट्टे थे, और वो कॉलोनी है, कॉलोनी को हम कल चेक करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। ये देखें, हम सर्दी की वजह से जो है वो ऊपर गद्दे और कपड़े डालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मेरे बर्ड्स जो हैं वो ओपन एयर पड़े हैं। आप भी अपने बर्ड्स की इसी तरह हिफाजत करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, आगे लोगों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए नए रिजल्ट जो लेके आता रहूँगा। इस वीडियो में भी आपको मैंने रिजल्ट शो करवा दिए हैं, जो लोग अब कर रहे हैं कि जी फेलो को रेड आइज के साथ क्रॉस करवाया तो क्या हुआ। मैंने आज से 4 साल पहले फेलो को रेड आइज के साथ क्रॉस करवा के उनकी ब्रीडिंग अपने पास रखी हुई है, और उनके रिजल्ट आपके सामने शो कर रहा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।